परिवादी रावना राजपूत एक साल से दर दर की ठोक रहे खाने को मजबूर। पुलिस प्रशासन मौन धारण किए हुए पुलिस प्रशासन पर लग रहे हैं रिश्वत के आरोप। पुलिस को सब पता होने के बावजूद भी मामले को ठंडे बस्ते में डालकर मौन धारण किए हुए आखिर क्यों क्यों नहीं सुनी जाती है परिवादी की आवाज। पुलिस अधीक्षक जालौर को परिवादी जैसाराम को पुत्र बाबूजी रावण राजपूत निवासी मोहसिम बागौड़ा ने ज्ञापन दिया। जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग सिद्धू को जालौर जिले के बागौड़ा थाने के मोहसिम निवासी परिवादी जैसाराम को पुत्र बाबूजी जाति रावना राजपूत ने ज्ञापन दिया। परिवादी जैसाराम ने दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केएल परमार को बताया कि वो एक साल से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और उन्होंने कहा कि पुलिस थाना बागौड़ा के सीआर नंबर 44/2022 अपराध अंतर्गत धारा 420 467 468 471 406 और 120 बी आईपीसी में मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सजा देने की मांग की। उन्होंने ये भी बताया कि करीब एक साल से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है और पुलिस थाना बागौड़ा में मुलजिम वकील गोवर्धन राम विश्नोई ओमकार सिंह राजपूत विष्णु प्रकाश विश्नोई लक्ष्मण सिंह छैल कंवर व दीप सिंह द्वारा फर्जी कूटरचित पावर ऑफ अटॉर्नी व इकरारनामा म्यूटेशन अपील पेश करने के बहाने तैयार कर धोखाधड़ी पूर्वक अवैध कूट रचना कर मुझे प्रार्थी की आराजी हड़प की। उसकी रिपोर्ट 44/2022 को दर्ज करवाई थी और उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान भी मुलजिमों के विरुद्ध पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन आज तक एक भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है तथा परिवादी ने बताया कि उपरोक्त मुलजिम प्रकरण की अदावधि को लेकर मुझे व मेरे परिवार को जान से मारने हेतु ढूंढ रहे हैं, जिस कारण मुझे मजबूरी में गांव छोड़कर अन्यत्र जाने को मजबूर होना पड़ा। इस दरमियान परिवादी ने कहा कि मुलजिम हमें धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर राजीनामा नहीं किया तो जान से मार देंगे, अर्थात यूं कहें कि पीड़ित परिवार को जान से मारने का भी खतरा, लेकिन पुलिस बन मौन। आखिर क्यों पुलिस इतने बड़े गंभीर मामले को लेकर शिथिलता क्यों बरत रही है, आखिर क्या माजरा है। पीड़ित परिवार ने अपना दुख बयान करते हुए कहा कि मुलजिम आर्थिक रूप से काफी सक्षम और प्रभावशाली है, जो अनुसंधान को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने हेतु धमकी दे रहे हैं। और तो और मुलजिम गोवर्धन राम विश्नोई ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका पेश की है, जबकि बाकी मुलजिमों पर गिरफ्तारी की कोई रोक नहीं है। बागौड़ा पुलिस थाने वाले जान बूझ कर मुलजिम को लाभ पहुँचाने हेतु मुलजिम की गिरफ्तारी में कोताही बरत रहे हैं, जबकि पीड़ित का कहना है कि प्रकरण काफी पुराना है। आखिर अब सवाल कई तरह से बड़ा रूप ले रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन ऐसे गंभीर मामले को लेकर कोताही क्यों बरत रही है, क्यों गरीब लोगों पुलिस के कार्मिकों के द्वारा सताया जाता है और क्यों शोषण और अत्याचार किया जाता है, आखिर क्या माजरा है। कहीं ना कहीं जिले की पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस प्रशासन पर राजनीति दबाव तो नहीं है, साफ तौर पर ये बयां कर रहा है कि ऐसे गंभीर मामलों को अगर दबाया जाता है और गंभीर मामलों पर जिले की पुलिस प्रशासन मौन धारण कर पीड़ित के साथ अत्याचार किया जाता है और शोषण किया जाता है। अब आप क्या मतलब कि आप आज पुलिस अधीक्षक जो एसपी को ज्ञापन देने आए जालौर में, तो एसपी ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब तो कह रहे हैं कर देंगे आपको। कब तक? दो दिन में हो जाएगा। जब एक साल तक आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो, दो दिन में हो जाएगा? हाँ, दो दिन में हो जाएगा। क्या आपको लगता है दो दिन में हो जाएगा? तो फिर आगे कहाँ आप जाने की, आप कहाँ जाओगे, अपना दर्द का कहाँ खटखटाओगे? देखिए आप लोग इतने परेशान हो, आखिर इसके पीछे राज क्या है, क्या कारण है? सरपंच से देखिए इतना बड़ा मामला है, गंभीर मामला है जो बागौड़ा पुलिस थाने के अंतर्गत मोहसिम गांव का, इन परिवार को यानी परिवादी को है, वहाँ जो घर है उस घर से मार पीट कर उनको बाहर निकाल दिया गया और मजबूरन में उनको सिरोही जाकर बसना पड़ा।
आखिर क्या कारण है और पुलिस प्रशासन जो है वो ढिलाई बरत रही है, कहीं ना कहीं इन पे राजनीतिक दबाव कहे तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। साफ तौर से जाहिर होता है कि यहाँ पहुंचे हुए ये जो उनको मजबूरन में जो है वो जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की शरण लेनी पड़ी और SP को ज्ञापन दिया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीतिक दबाव साफ तौर से जाहिर होता है। अगर राजनीतिक दबाव नहीं होता तो इन पीड़ित परिवार को न्याय मिलता। अब देखना यह है कि इन पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिलता है या फिर राजनीतिक दबाव उन पर हावी होता जा रहा है। अगर ऐसा भी कहे तो भी इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। साफ तौर से हमारी टीम गुरुज्योति पत्रिका चैनल की टीम जब ये पीड़ित परिवार जब ज्ञापन देने पहुंचे और पीड़ित परिवार के साथ में गुरुज्योति पत्रिका चैनल की टीम भी कवरेज करने साथ में जाना चाहती थी, तो साफ तौर से पुलिस प्रशासन ने भी इन जो गुरुज्योति पत्रिका चैनल को रोका। आखिर क्या कारण है? अगर यहाँ पे दूसरे मीडिया कर्मी जब आए कवरेज मतलब पीड़ित परिवार के साथ में तो वो आराम से जा सकते हैं, और जब गुरुज्योति पत्रिका चैनल की टीम को रोका गया, आखिर क्यों रोका गया? साफ तौर से कारण बनता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है। अगर राजनीतिक दबाव नहीं होता तो गुरुज्योति पत्रिका चैनल की टीम को इन पुलिस प्रशासन ने क्यों रोका? और जाहिर सी बात है कि जिला पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने जब गुरुज्योति पत्रिका चैनल का नाम जब सुना, यानी कि आनंद फानंद पे पुलिस अधीक्षक जो है बाहर निकल गई। आखिर पुलिस अधीक्षक ने गुरुज्योति पत्रिका चैनल की टीम को जब उनसे जवाब मांगा या ये कहे कि जब बातचीत करनी चाहिए तब वो क्यों मतलब